मम्मी, विंटर रैप अप। तुम मम्मी नहीं हो। स्पाइक, कल से स्प्रिंग सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए पोनी विल की हर पोनी को विंटर्स की सफाई करने में मदद करनी है। विंटर्स की सफाई? ये सफाई कौन करता है? यहाँ मौसम बदलने के लिए जादू का इस्तेमाल नहीं करते जैसे कैंटलॉट में किया था? नहीं स्पाइक, पोनी विल को अर्थ की पोनीज ने बसाया था, इसलिए यहाँ के लोगों ने कई सौ सालों से मौसम बदलने के लिए जादू का इस्तेमाल नहीं किया। क्या बात कर रही हो, जादू के बिना? ओके, चलो देखते हैं। स्कार्फ चेक, सैडल चेक, बूट्स चेक, उठने से मना करके वापस होने जा रहा स्पाइक चेक। मैं सब कुछ संभाल के रखती हूँ, मैं तैयार हूँ। सुबह सुबह जल्दी जल्दी। ओह, शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। माय लिटिल पोनी, माय लिटिल पोनी। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। ये जरूर रैरिटी की डिजाइन की हुई टीम वेस्ट होंगी। ब्लू है वेदर टीम के लिए, ग्रीन है प्लांट टीम के लिए, और टैन कलर है एनिमल टीम के लिए। पता नहीं मुझे कौन सी टीम की वेस्ट पहनने को मिलेगी। मैं तो अपने ब्लैंकेट जैसे ब्लू कलर की वेस्ट पहनूंगा जो शायद मुझे पुकार रहा है। स्पाइक, स्पाइक, बेड में वापस आओ। हम जल्दी उठ गए। इतनी सुबह सुबह यहाँ आने के लिए सभी पोनीज का शुक्रिया। हमें विंटर्स को समेटने और स्प्रिंग को लाने के लिए और पोनी की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप सभी के पास अपने वेस्ट हैं और आपको अपनी टीम्स मालूम है, तो चलो पिछले साल से भी अच्छा और अब तक का सबसे फास्ट विंटर रैप अप करके दिखाते हैं। ओह, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है सभी पोनीज, अपने अपने टीम लीडर को ढूंढो और काम पर लग जाओ। चलो। ओह गॉश, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए कौन सी टीम अच्छी होगी? बाकी सब पोनीज ये कैसे करती हैं? सर्दी के तीन महीने बने ऑसम हॉलिडे, घर की गर्मी में ठंड से बचे, छुट्टी ली हर काम से, खाना होने वाला है खत्म, कैसे बाहर जाए ठंड में। ये बूट्स मुझे बहुत पसंद है, पर नए शूज चाहिए। अब टाइम है स्प्रिंग के आने का, आएगी हरियाली, टाइम है सर्दी को बाय बोलने का, करना है सफाई, पर करना क्या है, मैं हूँ नहीं, बाकी पोनीज करते क्या हैं, कैसे होगा बिना मैजिक के, मुझे कुछ पता नहीं है। देखो सर्दी हो गई खत्म, छुट्टी को बाय बोले हम, देखो सर्दी हो गई खत्म, स्प्रिंग में फिर काम करें हम, स्प्रिंग में फिर काम करें हम। पंछियों को घर वापस लाएं, काम है ये पेगासस का, आसमान से सारे बादल हटाएं, मजा ले सनशाइन का, हम बादल हटाएं और बर्फ को पिघलाएं, जब सूरज निकलेगा सनशाइन का मजा पाएं। देखो सर्दी हो गई खत्म, छुट्टी को बाय बोले हम, देखो सर्दी हो गई खत्म, स्प्रिंग में फिर काम करें हम, देखो सर्दी हो गई खत्म, स्प्रिंग में फिर काम करें हम, स्प्रिंग में फिर काम करें हम। सर्दियों में छोटे एनिमल्स बर्फ के नीचे सोते हैं, चलो इनको नींद से हम जगाएं, कितने प्यारे होते हैं, चलो इनके लिए खाना लाए, घर भी साफ करें, सदन बर्ड्स का स्वागत करें, तो इनकी फैमिलीज बढ़े। देखो सर्दी हो गई खत्म, छुट्टी को बाय बोले हम, देखो सर्दी हो गई खत्म, स्प्रिंग में फिर काम करें हम, देखो सर्दी हो गई खत्म, स्प्रिंग में फिर काम करें हम, स्प्रिंग में फिर काम करें हम। आसान है ग्राउंड को साफ करना, ये बीज बोने हैं, इन्हें चाहिए देखभाल और सनशाइन, सबका खाना है, एप्पल गाजर और अजवाइन, रंगीन फूल भी हैं, हमको मेहनत करनी है, अभी काम बाकी है। देखो सर्दी हो गई खत्म, छुट्टी को बाय बोले हम, देखो सर्दी हो गई खत्म, स्प्रिंग में फिर काम करें।
देखो सर्दी हो गई खत्म। स्प्रिंग में फिर काम करें हम, स्प्रिंग में फिर काम करें हम। सब कितनी मेहनत करते हैं, मैं भी साथ दूंगी, दिल से इनकी हेल्प करूंगी, मुश्किलों से मैं लड़ूंगी। मैजिक ना हो तो मैं कैसे हेल्प करूं पोनी के जैसे, पर मुझे ये करना है तो मेहनत करूंगी। हर पोनी किसी ना किसी टीम में है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? ऑल राइट टीम, सब लोग टेक ऑफ के लिए तैयार। रेनबो डैश, ओह ट्वाइलाइट, क्या चल रहा है? तुम क्या कर रही हो? मैं अपने फ्लाइट क्रू को साउथ में भेज रही हूँ ताकि पंछी वापस आ जाएं। ओह मैं मदद करूं? अगर मैं बादलों को हटाने में मदद करूं तो? हाँ मेरे पास विंग्स नहीं है। सॉरी ट्वाइलाइट। ग्रेट, अब हम क्या करें? तुम्हारा तो नहीं पता मगर मैं तो सोने जा रहा हूँ। कम ऑन स्पाइक, ये बहुत जरूरी है, सर्दियाँ खत्म करनी है और मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ किसी भी तरह, पर कैसे? रैरिटी, प्लीज कह दो तुम्हारे पास कुछ ऐसा काम है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वेल, क्या तुम पोनीविल के पंछियों का घोंसला बनाने में मेरी मदद करोगी? पंछियों के घोंसले? हाँ, जब वेदर टीम पंछियों को वापस इस तरफ लाएगी तो उन्हें रहने और अंडे देने के लिए जगह तो चाहिए होगी ना? वाओ रैरिटी, ये तो बहुत ही सुंदर है। ओह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम भी घोंसला बनाना चाहोगी? जरा सोचने दो। हाँ तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओके, अब वहाँ से थोड़ी तिनके और घास फूस ले लो और यहाँ से थोड़ी सी डालियाँ। अब इन्हें आपस में यहाँ ऐसे बुन दो। हाँ, अब वहाँ से थोड़ा रिबन लो। ओ नहीं, उसे वहाँ से अंदर कर दो। पर ध्यान रहे कहीं। ओ नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इतना काफी है। ओ डियर, हो गया, ये तो बिल्कुल तुम्हारे वाले जैसा है। ओ गॉड, इस घोंसले को तो जला देना चाहिए। ओ स्पाइक, ये इतना भी बुरा नहीं है, शायद पंछी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आउट हाउस के तौर पे। स्पाइक, ये बिल्कुल ठीक है, ये बस किनारों से थोड़ा सा खराब है। मैं जरा तुम्हारी मदद करती हूँ। अब इस रिबन को खोलते हैं और यहाँ से ये लकड़ियाँ भी हटा देते हैं और इस तरह से हम इसे यहाँ से चलो यहाँ से निकलते हैं, कर थोड़ी उस तरफ डाल देते हैं। और हेलो ट्वाइलाइट, वाओ पिंकी पाय, तुम तो बहुत अच्छी स्केटर हो, मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट। ट्वाइलाइट, मैं तब से स्केटिंग कर रही हूँ जब एक नन्ही मुनी सी प्यारी ट्विंकी पाई हुआ करती थी, ये मेरी आदत बन गई है, इसलिए उन्होंने मुझे बनाया है लेक स्कोरर। मैं अपनी स्केट्स की मदद से लेक पर ये लाइंस बना रही हूँ, जब बाकी की वेदर टीम वापस आएगी तो उनके लिए बर्फ को तोड़ना आसान हो जाएगा। बहुत अच्छे, जब मोटी बर्फ पिघलना शुरू होगी तो वो इन लाइंस में टूट जाएगी। तुम्हारे पास बहुत सारा काम है क्योंकि पोनीविल में तो बहुत सारी लेक्स हैं। हाँ, वो तो है। हे ट्वाइलाइट, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगी? कौन, मैं? कम ऑन, वो स्केच पहन लो, मुझे पता है तुम भी ये आसानी से कर लोगी। ओके ये। मुझे लगता है शायद। अब क्या बात कर रही हो, पर तुम तो मदद करना चाहती थी ना। चलो अब काम पर लग जाओ। तुम वाकई में माहिर हो ट्वाइलाइट, सब कुछ बर्बाद करने में। ट्वाइलाइट, पहली बार के लिए बहुत अच्छा था, मुझे याद है मेरी पहली कोशिश भी इतनी बॉबली और क्रैशर इफेक्ट थी, इससे भी ज्यादा बुरा। सच में? नहीं। पर तुम्हें सुनकर अच्छा लगा ना? हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से तुम कोई ऐसा काम बहुत ही अच्छे से संभालोगी जिसमें तुम्हारे पांव जमीन पर रहे, शायद फ्लटरशाय को तुम्हारी मदद की जरूरत हो सकती है।
वेल, मैं छोटे एनिमल्स को संभालना जानती हूँ। मैं जाकर उसकी मदद करती हूँ। वो उस तरफ है। अच्छा प्यारे बच्चों, उम्मीद है तुमने अच्छे सपने देखे होंगे और तुम्हारा हाइबरनेशन आरामदायक रहा होगा। पर अब उठने का वक्त है, स्प्रिंग आ रहा है। ओह, ये कितने क्यूट है, है ना? ये इस मौसम में मेरा सबसे पसंदीदा काम है, जब मैं दोबारा अपने एनिमल दोस्तों से मिल पाती हूँ। ये हाइबरनेशन क्या होता है? इसका मतलब है एक लंबी नींद। लंबी नींद? हाँ। उठ जाओ प्यारे पॉक्यूपाइंस। सर्दियों में कम खाने और अपनी एनर्जी बचाने के लिए एनिमल्स हाइबरनेट करते हैं। मुझे ये हाइबरनेशन का आइडिया पसंद आया। बस कम खाना खाने वाली बात छोड़ के। ओह, पर इन सबको और गुफाओं को तो देखो। मुझे डर है स्प्रिंग आने से पहले मैं सभी एनिमल्स को नहीं उठा पाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच में? ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो वहां से स्टार्ट करते हैं। हेलो, उठ जाओ नन्हे दोस्तों, तुम जहां भी हो स्प्रिंग आ रही है। जरा देखे तो मैंने किस क्यूट और फरी एनिमल को जगाया है। सर्दियाँ खत्म करने का काम जितना दिखता है उससे ज्यादा मुश्किल है। सही कहा, क्योंकि इसमें जादू नहीं है। तुम जादू का इस्तेमाल करके सब ठीक कर दो। नहीं स्पाइक, मुझे ये पुराने तरीके से ही करना होगा। पोनी विल को सर्दियाँ खत्म करने के लिए जादू की जरूरत नहीं है। पर इससे पहले तुम भी आ रही थी, तुम्हारी मदद से ये लोग सर्दियाँ जल्दी खत्म कर देंगे। ना ना ना, चाहे जो भी हो मैं मदद का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी। धक्का लगाती रहो कैरमल, बहुत अच्छे बमकिन। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, पर तुम लोग सही जा रहे हो। हे एप्पलजैक, कैसा चल रहा है सब कुछ? ओ बिल्कुल बढ़िया। शुरुआत थोड़ी धीमी है पर हमेशा की तरह मजेदार। अभी भी बहुत सारी सफाई बाकी है। ये बर्फ हटाए बिना पौधे लगाकर काम शुरू नहीं कर सकते। मैं भी मदद करना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम ट्वाइलाइट, मुझे बस एक मौका दे दो। मैं किसी को मना नहीं करती, मगर जरा सोचो तुम्हारे जादू की मदद से ये लोग सर्दियाँ कितनी जल्दी खत्म कर लेंगे। मैं कम टू लाइफ जादू इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये लो। इतनी छोटी होने के बावजूद भी ये कितनी ताकतवर है। ये हुई ना बात, मेरी बात मान ही ली। और इसका क्या मतलब हुआ? धीरे, प्लीज धीरे। ट्वाइलाइट, तुमने जादू का इस्तेमाल किया? इतनी हिम्मत, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हम यहाँ जादू का इस्तेमाल नहीं करते ट्वाइलाइट, और खास करके मेरे फार्म पर बिल्कुल नहीं। देखो मैं तो बस
ट्वाइलाइट बाहर आ जाओ। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम बाकी कई चीजें कर सकती हो, सिर्फ घोंसले बनाने, आइस स्केटिंग करने, एनिमल को जगाने और बर्फ हटाने को छोड़कर। मुझे अच्छा महसूस करवाने के लिए थैंक्स स्पाइक। इसलिए तो मैं यहाँ हूँ बहना। ग्रीन फॉर डैश, तुम्हारी वेदर टीम को यहाँ की सारी बर्फ पिघलानी होगी, जल्द से जल्द। समझ गई। तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर बर्फ तेजी से पिघल गए तो सारे एनिमल्स के घर पानी से भर जाएंगे। समझ गई। मैंने कहा ना रेनबो, जल्द से जल्द बर्फ पिघलाओ, अभी। नहीं, हमें इंतजार करना ही होगा। ओके, शुरू करो। रुक जाओ। शुरू करो। रुक जाओ। शुरू करो। रुक जाओ। शुरू करो। पहले आपस में तय करो। ओह, तुम लोग अब किस बात पर आपस में झगड़ रहे हो? तुम्हारी इतनी बेवकूफियों की वजह से ही हमें पिछले साल भी स्प्रिंग लाने में देर हो गई थी, और उसके पिछले साल भी। क्या उन्होंने कहा, देर हो गई थी? मुझे लगा मेरी शानदार इंस्पिरेशनल स्पीच सुनकर अब पिछली बार से ज्यादा मेहनत करेंगे, पर अब तो लगता है कि हमें हर बार से भी ज्यादा देरी होने वाली है। जरा इस बर्बादी की तरफ तो देखो, आइस स्केटर्स ने बर्फ के टुकड़े बड़े काट दिए हैं, अब वो देर से पिघलेंगे। घोंसले बनाने वाली टीम तो बुरी तरह पीछे चल रही है, हमें 100 घोंसले चाहिए और अभी तक सिर्फ एक ही बना है। और इस बारे में तो पूछो ही मत, आसमान में अभी भी बादल बचे हैं, पेड़ों पर आइस जमी हुई है, पता नहीं कैसे होगा, ये सब सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बात और भी बिगड़ जाएगी अगर हम वक्त पर बीज नहीं लगा पाए। रिलैक्स एप्पल जैक, हमसे जितनी जल्दी हो सके हम कर रहे हैं। नहीं, जल्दी नहीं, एनिमल्स को धीरे से उठाना होता है। ओ एजे, ओ गुड ग्रेवी, कैरमल ने फिर से घास के बीज खो दिए। यप, डिडसीडू गलती से सदन बर्ड्स को लाने नॉर्थ में चली गई है। ओ बेवकूफ लड़की, क्या उसने कुछ नहीं सीखा जब वो वेस्ट में चली गई थी? ये कैसे हो सकता है, इस तरह काम नहीं कर सकते, क्या करें, बहुत डिफिकल्ट। ओ अब बंद करो ये सब, हमारे पास आपस में बहस करने के लिए टाइम नहीं है। सूरज बस डूबने ही वाला है, इस बार फिर से स्प्रिंग आने में देरी हो जाएगी, एक बार फिर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। काश हम थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड होते। स्पाइक, जल्दी से मेरी चेकलिस्ट और क्लिपबोर्ड लेकर आओ, जाओ। यस मैम। सब पोनी शांत हो जाओ, शांति शांति। सॉरी ट्री, मैं जानती हूँ आप सब अपना काम वक्त पर खत्म करना चाहते हैं, पर बहस करने से कुछ नहीं होने वाला। हम सबको जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन की, और ये काम मुझसे बेहतर कोई पोनी नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं हो रहा, स्प्रिंग आ गया है, वो भी बिल्कुल सही समय पर, और इसकी वजह तुम हो।
अगर हमारे पास तुम्हारी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स नहीं होती तो हम अब भी बहस कर रहे होते। ये इन सब की मदद से हो पाया। और क्योंकि तुमने हर टीम की मदद की है, हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऑफिशियल वेस्ट है। आज से तुम्हारा टाइटल है ऑल टीम ऑर्गेनाइजर। गॉश, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। थैंक यू एवरी पोनी। और अब मैं ऐलान करती हूँ कि सर्दियाँ खत्म हो गई है सही समय पर। स्पाइक को एक शानदार सरप्राइज मिलने वाला है जैसे ही बर्फ का वो आखिरी टुकड़ा पिघलेगा। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, विंटर रैपअप पोनीविल में मेरे सबसे स्पेशल एक्सपीरियंसेस में से एक है। इससे मुझे ये समझ आया कि हम सभी में छिपे हुए टैलेंट्स होते हैं, और अगर हम सब्र रखें और हार नहीं माने तो वो हमें जरूर मिलेंगे, और हम पोनीज जो चाहें वो हासिल कर सकती हैं। ये कैसा है स्पाइक? स्पाइक? ओह स्पाइक,